स्वागतम, वी आर बैक विद अनदर वीडियो रेसिंग मास्टर, मास्टर रेसिंग। सो कैसे हो गाइस, उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे, पर मैं नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं 1% भी नहीं। पिछले 3 दिन मेरी वॉट लग गई इसे डाउनलोड करने में। वो कहते हैं ना इंसानी चुल, हाँ सच में। और जब ये चुल लग जाए तो आपको पता ही है कि वो चुल यहाँ तक बढ़ सकती है कि इस चुल की वजह से ही आप मेरी चुल सुन पा रहे हो। यार मैं क्या चुल चुल में लग गया। तो हमारे YouTube परिवार के एक मित्र ने हमसे कहा मेक वीडियो ऑन रेसिंग मास्टर। सो मैंने अपना ब्रेन करा बूस्ट और निकल पड़ा। 3 दिन बाद मुझे तरीका मिला, पूरे 3 दिन, और वो काम कर गया। सो यहाँ से होता है इस गेम का ट्रेलर स्टार्ट। सो जैसा कि आप जानते हो आजकल गेम्स ग्राफिक के मामले में डे बाय डे बेहतर होता जा रहा है, खतरनाक टाइप की ग्राफिक्स। तो ऐसे में गेम का साइज भी बढ़ने लगता है, साथ में आपको डिवाइस को भी अपग्रेड करना पड़ता है। सो मैं आपको इस गेम का साइज बता दूं, इसका APK 1.8 समथिंग GB का है। जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं देन 5 GB के करीब इंटरनल डाटा डाउनलोड होता है। उसके बाद ये गेम 7.5 GB के आसपास बैठती है। सबसे बड़ी बात, कुछ कंट्रीज में कुछ ऐप्स बैन है जिसकी वजह से बहुत कुछ देखना पड़ता है। यार सच में, सच बता रहा हूँ, जैसे तैसे तो मैंने WeChat अकाउंट बनाया था NFS मोबाइल के लिए। मुश्किल था, या कहूँ मुश्किल है बहुत से यूज़र्स के लिए जो कि गेम खेलना चाहते हैं आपकी मेरी तरह, वो फिर कैसे खेल सकते हैं बिना उन ऐप्स के जो कि बैन है। यार लगता है मैं भावनाओं में बह गया। पर रेसिंग मास्टर को खेलने के लिए मैंने बहुत कुछ सर्च करा। वैसे इसका ट्रेलर कितना रियलिस्टिक लग रहा है। तो चलिए गेम शुरू हो चुकी है। सो यहाँ हमें कुछ करेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं, मेल फीमेल, आपको कौन सा पसंद है। और ये साइड में ये दो हैं, और साइड देखते हैं इस साइड भी दो हैं करेक्टर, मेल और फीमेल, और इस साइड भी दो हैं। पर मुझे वो वाले पसंद आए, वो जो स्काई ब्लू वाला है, ये इसके फीमेल चेक करते हैं एक बार। ओ भाई साहब, बढ़िया यार, बढ़िया। देखते हैं कि आगे क्या देखने को मिलने वाला है इस गेम के अंदर, पर मैं मेल ही सिलेक्ट करूंगा। क्या कलर वगैरह है यहाँ, इसके कुछ क्लोथ्स हैं, एक ये, पर मैं इस वाले क्लोथ्स को रखना पसंद करूंगा। एंटर करते हैं, और यहाँ से कुछ लोडिंग है जो कि मैंने कट भी कर रखी है, जो कि वेरिफिकेशन वगैरह है। ये गेम यहाँ से स्टार्ट होती है। हमें एक बार फिर से करेक्टर दिखाया जाता है, एंड में करता हूँ इसे एंटर, एंड यहाँ एक बार फिर से छोटी सी लोडिंग, एंड यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी गेम। यहाँ से दिखाया जा रहा है, ये फिर से एक बार लोडिंग होने लगा, और यहाँ हमें दिखाया जा रहा है किस टाइप के आपको स्टेयरिंग चाहिए। ये इसमें खाली ब्रेक और उसका अंतर है, मैं इस वाली ड्राइव को पसंद करूंगा। एंटर। यहाँ पर एक सिनेमेटिक टाइप व्यू, अच्छा लगता है, आजकल सिनेमेटिक दिमाग में बैठ चुका है ऐसा लगता है जैसे। और ये आपस में कुछ बात करते हुए, शायद ये मेरी ही बात कर रहे हो, मुझे पता नहीं। यहाँ से मिली हमें गेम खेलने को, और ये देखिए ये लेफ्ट राइट है, थोड़ा हार्ड चल रहा है। जैसे कि मैंने NFS मोबाइल खेली थी उसमें टच करने के बाद एकदम से टच रिस्पॉन्स अच्छा था, पर इसमें थोड़ा हार्डली प्रेस करना पड़ता है। शायद सेटिंग में हो, सेटिंग में चेक करने के बाद ये स्मूथ हो जाए। बाकी ग्राफिक बढ़िया हैं, अच्छे लग रहे हैं ग्राफिक। मेरा थोड़ा लो डिवाइस है तो इसलिए इतने अच्छे नहीं लग रहे, बाकी बहुत बढ़िया हैं। ये शायद कट समझाया जा रहा है ड्रिफ्ट के लिए है, या फिर अभी हाँ ड्रिफ्ट के लिए बताया जा रहा है। ऐसे करके यहाँ से हमें ब्रेक खींचने हैं, हैंड ब्रेक, एंड देन ड्रिफ्ट लगेगी। ओवरऑल मज़ा आया डाउनलोड करने में भी। और ये देखिए बढ़िया सा ये हेलीकॉप्टर, एक अच्छा एनिमेशन दिख रहा है। तो गेम के लिए आपको कम से कम, नहीं तो मिनिमम 12 GB रैम तो होनी चाहिए आपके डिवाइस के अंदर, तब अच्छा प्ले करेगा भाई। बढ़िया लगा ये लुक भी, पर थोड़ा आगे से भी होता तो मज़ा आता, मतलब कैमरा रोल होता हुआ आगे जाता। तो यहाँ तक था, थोड़ा लेग टाइप भी कर रहा है मेरे फ़ोन में। तो यहाँ तक हमें मिलाया भी, खाली इसे हम टेस्ट कह सकते हैं, टेस्ट ड्राइव।
और यहाँ से ये कुछ बात करते हुए चाइनीज में, मैं इसे कट कर दूंगा आगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी बातें जो मैं आपको सुनाना पसंद नहीं करूँगा। काफ़ी ज़्यादा देर बात करी थी उन्होंने, तो यहाँ से लोडिंग हो चुकी है। एक बार फिर से ये फिर आ गए। देखिए मैंने कहा था ना कि बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ये थोड़ी थोड़ी देर पे आके कुछ ना कुछ समझाने लगते हैं कि अब की बार ये वाली कार मिली, अब की बार वो वाली कार मिली। शायद शुरुआतें इसलिए इनका बताना ठीक है। सो यहाँ कोई कार का जिक्र कर रही है, शायद हमें कोई कार मिलने वाली है और ये मिली है हमें। और यहाँ पे भाई साहब ये मिली है हमें, माजदा है शायद ये। ओ भाई साहब, माजदा MX5 बढ़िया लग रही है देखने में। ये 220 क्या है, हॉर्स पावर है, आई डोंट नो क्या क्या दे रखा है, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज है तो थोड़ा समझना डिफ़िकल्ट है। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा समझना डिफ़िकल्ट है क्योंकि मुझे इसका चाइनीज़ का चाव ही नहीं आता। सो यहाँ से देखिए फिर इनकी वार्तालाप शुरू हो चुकी है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, वो भी जब मैं इस गेम को 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद तो इनकी वार्तालाप देखते हैं फिर से एक बार, हमें लॉबी में जाना होगा जल्दी से। मैं लॉबी के लिए करता हूँ इनकी वार्तालाप को कंप्लीट। और यहाँ ये क्या हुआ है, अनलॉक हुआ है, अच्छा यहाँ टैप कर दिया। देखते हैं ये कहाँ लेके जा रहे हैं। ओहो ये कोई एनिवर्सरी टाइप चल रही है मुझे लग रहा है, या फिर क्या है ये हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे वो लगा है यार, लगता नहीं है जिसमें कार साथी हैं बहुत सारी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। ओहो ये क्या कहना चाहती है मोहतरमा, अच्छा यहाँ ये कार दिखाना चाहती हैं। अच्छा एस्पो में आए हैं हम, स्पोर्ट बोलते हैं, एस्पो बोलते हैं, मोटर एस्पो मुझे नहीं पता। चलो ये टच करके देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करा मैंने, ओहो ये क्या, ये ट्रक मिलेगा चलाने को हमको, या फिर क्या है ये, क्या टैप करना पड़ेगा, टैप करके देखता हूँ मैं। अच्छा हाँ टैप करा, ये ओपन हो रहा है। ओहो इसके अंदर भी एक कार है, वाह शानदार। ये कौन सी कार है, इसका नाम हम निसान 370Z, निसान 370Z, बढ़िया लग रही है कार देखने में। बाकी हैंडलिंग देखेंगे इसकी कैसी है, हार्डली तो नहीं हो रही प्रेस, देखते हैं। करिए भी डाउनलोड है, ये मिली है हमें या नहीं ये नहीं पता। और ये फिर से एक बार अपनी बातचीत को आगे करते हुए, अपनी बातचीत को बढ़ाते हुए, पता नहीं क्या समझाना चाहते हैं ये चाइनीज में। चलो इसे मैं आगे बढ़ाता हूँ एंड देन देखते हैं। चलो भाई ठीक है, मैं लॉबी में आ गया। फिर एक बार ये कहीं भेज रहे हैं मुझे, और ये कोई गिफ्ट मिला है मुझे, 300 डायमंड्स मिले हैं शायद, मल्टीप्लाई 300, आई डोंट नो व्हाट। सो यहाँ से फिर हम एक बार चल दिए हैं। ये कोई रेस है क्या, हाँ ओहो इसमें कार यही मिली है हमें, निसान 370Z, खेलने के लिए। ये मुझे शायद किसी का कॉल आया, ये कौन है, ये मेरा पार्टनर ये जो शायद आपने देखा होगा, मेल फीमेल वाला, शायद मेरे वो ही हुए या फिर वो जो सबसे पहले मिला था शुरुआत में हमें, कोई भी हो सकता है, मैं कह नहीं सकता। सो यहाँ से देखते हैं ये लोडिंग होने के बाद इसकी हैंडलिंग कैसी है। हो जा, अबे जल्दी हो यार, क्यों इरीटेट कर रहे हो, और क्यों रेसिंग मास्टर वालों, क्यों ऐसा क्यों करा। ओ भाई साहब कितना समझाओगे मुझे, नहीं समझना भाई, वैसे ही नहीं समझ आ रही है चाइनीज भाषा, और तुम बार बार समझाने आ रही हो क्या। ये मोहतरमा पता नहीं क्या समझाने आई है। चलो यहाँ से कम से कम मिला तो स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं खेलने को कब मिलता है। चलो अरे भाई अभी तक तो स्टेयरिंग ही नहीं आया मेरे पास, आ जा भाई, वो कैसे करेगा भाई, आ जा, इसे हराना है क्या जो आगे चल रहा है हमसे, पता नहीं स्टेयरिंग कब मिलेगा। ओ यहाँ से मिला है हमें, 3-2-1 गो। सो अरे भाई वो कहाँ जा रहा है, वो अलग ही लग रहा है, सस्ते नशे करके घूम रहा है, या फिर ये ऑनलाइन प्लेयर्स आए मेरे साथ,
हाँ शायद ये ऑनलाइन प्लेयर्स आए, पर और क्यों नहीं दिखे फिर? अगर ये ऑनलाइन प्लेयर्स हैं तो और भी होने चाहिए, एक ही क्यों दिखा? तो चलो सही है, लेकिन हैंडलिंग थोड़ी हार्डली महसूस कर रहा हूँ मैं, जैसे कि स्टेयरिंग लेफ्ट नहीं हो रहा, राइट नहीं हो रहा। हाँ ड्रिफ्ट के मामले में ड्रिफ्ट तो बढ़िया लग रही है इसमें, हालांकि मैं अभी जान नहीं पा रहा इसकी ड्रिफ्ट को बढ़िया तरीके से कि कैसे मैं ड्रिफ्ट मारूं। ये हाँ ठीक है कुछ हद तक, हाँ ठीक ही है। चलो ग्राफिक्स इसके औसम है, लेकिन जो भी कहो, पर मेरे फ़ोन में थोड़ा सा स्टक ही है, थोड़ा सा लैग टाइप, फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं कहीं कहीं। और ये क्या, ये हमारा एक और टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और हमें चाबी, डायमंड और पता नहीं क्या क्या मिला है साथ में इन मोहतरमा के, जो कि हमें कुछ समझाने आई हैं। समझा दो आज, मैं नहीं मानने वाला। ये क्या धर्मबाजी की आ गई है मुझ में वॉइस, पर मैं उनसे घटिया ही हूँ, बढ़िया तो हो नहीं सकता धर्मबाजी से। सो यहाँ से एक बार फिर हम लॉबी में आ गए हैं और देखते हैं, फिर एक और रिवॉर्ड मिला है हमें। इस बार रिवॉर्ड में कौन सी कार है दिखाई डालो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कौन सी कार है? DB11। और ये किसकी है? ये मेरे को लोगों से भी पहचानने में नहीं आ रही है। DB11 भाई क्या नाम है, नाम आप तो बता दो। DB11 है ओनली शायद, मे बी, मुझे नहीं पता, किसी को पता हो तो बता सकते हैं कमेंट में। प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तभी ये वीडियो आगे तक पहुंचेगी लोगों के पास। ये तालियां बजा के करो, प्लीज़ एक्सेप्ट करो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, आपका प्यार मुझे दिखा दो। मैं जानता हूँ आपके अंदर बहुत प्यार है मेरे लिए, लेकिन हाँ ठीक है जितना भी है यार, प्लीज़ दिखा दो बस। आपसे रिक्वेस्ट है, क्या बोलूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। तो आज यहीं तक बस, अब मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।